हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मूंग की खिचड़ी वेजिटेबल्स के साथ। सबसे पहले मैंने सारी सब्जियाँ धोकर छोटी छोटी काट ली हैं। बीन्स है, ब्रोकली है, पालक है, टोमेटो है और प्याज, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है। और कढ़ाई गरम की, तेल घी डाला मैंने। थोड़ा गरम होने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला, और जीरा भुनने के बाद, जीरा जब थोड़ा भुन गया उसमें फिर हमने डाला प्याज। प्याज डाल थोड़ा रेड होने के बाद, रेड हो गया, फिर रेड होने के बाद हमने उसमें डाला जो बाकी की सब्जियां हैं वो डाली हमने, और थोड़ा पका लिया। थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाला जिससे थोड़ा आसानी से नरम हो जाए, आसानी से पक जाए सब्जियां। फिर हमने खिचड़ी बना के रखी हुई थी मूंग की, उसको हमने इसमें पकी हुई सब्जियों में डाला। और पकाने के बाद थोड़ा सा इसमें हमने गरम पानी भी डाला, थोड़ा सा नमक डाला जो कम था, और अच्छे से पका लिया। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट सब्जी। खिचड़ी को फ्राई कर लिया है अच्छे से, थोड़ा पका लिया है, फिर उसको हमने सर्व किया। बहुत ही टेस्टी हेल्दी खिचड़ी, यम्मी, सो डिलीशियस। थैंक यू।